ये देखे भाई ईंटों की भट्टी, यहाँ पे ईंटें बनती हैं। देखिए सेट हुई और यहाँ से धुआं निकलता है बाहर, जिसको रियान कहता होता था कि वो देखे बाबा फायर फायर अभी फायर नहीं नजर आ रही है क्योंकि फायर निकल ही नहीं रही। देखिए और वैसे ईंटें कितनी ताजा ताजा सही सही लग रही है। ईंटों का घर भी बना हुआ एक सागरी है ना बाबा का गाँव है ना वो जी। सागरी इनका आ चुके और कुछ कुछ क्या बस बताएं। आ गया थकावट होगी आज काफी शदीद किस्म की। और अब ये देखिए अब आपको खेत दिखाने लगे हम, ये मुझे भी अच्छे लगते हैं हरिया वाला सीन। खेत कहाँ है अभी आपको दिखाएं खेत, इन्हें फील्ड कहते हैं हम। ये देखें खेत, ये सब्जा नहीं नजर आ रहा आपको यार माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जो सा ना देखो एक एंटर होते साथ ही ना आप देख रहे हो हवा में जो है वो फील ही डिफरेंट है, एक अलग ही वाइब है गांव में एंटर होते साथ ही। हवा यहाँ पे आपको प्योर मिलती है और ज़ाहिर ट्रैफिक नहीं होती है, गाड़ियों के धुएं वगैरह नहीं होते। तो ये देखो कितना छोटा प्यारा सा बेबी है पुरिया पुरिया, ये देखो रियान हट तो नहीं गया बेटे पुरिया, आपने देखे बेबी गोट, देखो इधर बेबी गोट देखे प्यारा लगा आपको। हाँ बेबी गोट ये देखो हाथ लगाओ, हाथ लगाओ। अच्छा प्यारा बेटी रहना, आप भी हाथ लगा लो। अच्छा पास आओ इसकी गोट के पास आओ, इधर आओ पास आओ ना। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और बस अब अंदर जाते हैं घर और मिलते हैं सारा। बहुत डांट पड़ने वाली है, हमने आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाया गाइस, आप और हम तीन घंटे लेट है सोचे, तीन घंटे हसन चले चले आ गया। मेरे जिम्मेदारी है अपनी। वर्ल्ड बेस्ट कार पे टाइम लग जाता है थोड़ा सा, वर्ल्ड बेस्ट कार ये काजी मुनीम ने कॉल की रखा था यार सुधार है बात ही, पेट्रोल ने पैसे मैं दे दे सर यार पेट्रोल पे आओ। नहीं यार वो इसमें ब्लॉग के चक्कर में थोड़ा सा लेट हुए और फिर यहाँ पे थोड़ा आधे घंटे से ज्यादा लग गया। चले मिल लें दोनों भाई, चले मिल लें, क्या हाल है पूछ ले ठीक है। मनो आप ठीक हो, आई लव यू। खार क्या निकल गया था यार, हाँ मुझे खोखा साहब पिंडी से जेलम तक का सफर इतना नहीं है, चार घंटे में पहुंचे
डेढ़ घंटे का सफर चार घंटे में हमने किया व्लॉग के चक्करों में। आवाज नहीं आई बहरहाल सारे रास्ते में, पता नहीं चला क्या कह रहा है। नहीं यार बड़े भाई की ना वीडियो बनाने की तो वो 800 रुपया मिनट हजार मांग रहे थे, 800 रुपया मिनट डन कर दिया उनके। 800 रुपया मिनट यार, ये जिस तरह इंटरनेट पैकेज होता था 10 रुपए घंटा 20 रुपए घंटा, 800 रुपए मिनट वाला क्या हिसाब है। बस ये फिर सागरी है ना। अंदर बैठ के बाजरा भी खाएंगे और मजे की बात वो सुरखाब के पिंजरे के अंदर तीतर भी है, ईरानी तीतर है अंदर उसके। अच्छा माशाल्लाह, वो आपको बोनस में दे दिया उन्होंने जो है ना, वो 200 जो कम किया उसमें वो बोनस डाल दिया, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया वो। यार हमारी और व्यूअर्स जो है वो देखेंगे, खुश होंगे, आपको दुआएं देंगे कि आप एक नायाब चीज लोगे। फिर व्यूज के पैसे आप भी लोगे ना, तो अभी तो पैसे नहीं आ रहे हमें कोई, ऐसे आ जाएंगे अल्लाह खैर करेगा। यार ये भी पता चला है कि ये सोनू बेचारा बीमार हुआ है, इस मुर्गे का नाम है सोनू, ये पंगे करता रहता है तो कहीं फंस गया होगा बेचारे की टांग जो है ना वो जख्मी हुई है थोड़ी सी। चल कोई नहीं यार, बेगम के साथ यशी कर पिंजरे में, तो कोई टेंशन ना ले। चलते चलते असल में आप मुझे 500 दें, मैं आपको एक ऐसी चीज आपको व्लॉग के लिए देता हूँ कि आप खुश हो जाएंगे उससे। यार 500 तो नहीं है मेरे पास, गरीब आदमी है भाई, ये 100 रुपया है। चलो 100 ही दे दो, खैर है, दो तो से दे तो देना आप भाई। वो देखें ये चेक करो भाई, इसको 8 महीने पहले हेडशॉट मारी थी। ये है क्या चीज? ये बिल्ली है, सूख गई है यार। तो ये इसको उतारा क्यों नहीं है यहाँ से किसी ने? ये आप जो म्यूजियम वालों को तो नहीं देंगे हैं? ये गेट है उसका, उसका अगली पे लगाएंगे जाके। तो जल्दी मम्मी आने जी, हमने कहा यार कहीं ऐसा माइंड ना कर जाए कि खाना असल में दोबारी खा लिया नहीं यार, कोई ऐसा मसला नहीं। मेरी नकल उतार रही है लेकिन चलो अच्छी बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मजेदार हो रहा है यार, वाकई में बड़ा अच्छा टेस्ट है। किसने नया ये पीसी से शेफ मंगाए थे हमने, क्या करना इसको? एक मिनट नहीं किया उनके, ताकि मेरे को इसमें सारी है यार। ये अलग तो मेरा बेटा फट जाएंगे सारे। ये आप लोगों को अगर याद हो, एक व्लॉग में मेरे चची जान और चचा जो है वो उम्रे से आए थे, तो आज उनको मुबारक देने के लिए भी आए हैं हम यहाँ पे गाँव अपने। और ये ग्लास जो है वो जमजम का पिता जी पीऊँगा। अल्लाह रहमान रखी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये खजूर मदीने की है जी ना, ले है। ये देखिए जी मुल्तान की मिठाई आज हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आज हमारे पास कितना कुछ है खाने के लिए, और ये देखिए ये लगे भी हैं, अभी ये खाई है, खाना खा लिया है, और रास्ते में भी आपको पता है इन्होंने क्या कुछ खाया है, और अभी ये मिठाई भी खा जाए। हर वक्त इंसान को ना कुछ ना कुछ खाते पीते रहना हर वक्त नहीं खा लेता, जब भूख लगे तब भी खाना चाहिए, लेकिन इनका है कि हर वक्त चलता है काम। ये देखिए पूरा खत्म करेंगे, ये भी आपको बता दूं। यार मजेदार, इसको क्या कहते हैं? रसगुल्ला।
चमचम क्या होता है? चमचम भी यही होता है रसगुल्ला। नहीं मेरे ख्याल में चमचम जो है ना वो छोटे वालों को चमचम कहते हैं। हाँ शायद। मजे की बात यह है कि मैं ना अपने बेटे को रोटी खिला रही थी, वो मेरे हाथ में है, ये उसका सालर है, वो पड़ा, वो भाग गया। मैं क्या कहूं यार, सुरखाब है, शेर ने बच्चे देना। ये मेरे चाचू का शौक देखें भाई, सुरखाब इन्होंने पाला है और बड़ा खूबसूरत होता है, देखें जी। ये रेड वाला जो है ये सुरखाब है, नर है माशाल्लाह, मेल, और ये दो फीमेल है नीचे बैठी हुई है, जो इधर ही एक नीचे, इसके नीचे तीतर भी है लेकिन वो उसके अंदर घुस गया होगा। ये खाना वगैरह क्या खाते हैं? खाना इनके ये फीड होती है मुख्तलिफ किस्म की, तकरीबन 7-8 किस्म की मिक्स फीड होती है। यार खूबसूरत कितना है यार, माशाल्लाह। अभी इनके ये पार जो है ना ये गिर के एक दफा फिर हुए। अच्छा, और ये हर साल चेंज करता है, कोई सीजन होता है इसका? नहीं, ये जो मेल है ना इनका जी, इस ये पहले इसी तरह होता है ब्राउन। अच्छा, ये तकरीबन साल 1.5 साल के बाद जो है ना ये पता चलता है कि मेल है या फीमेल है। मेल होगा तो वो उस कलर में होगा, फीमेल हमेशा इसी तरह। वाह वाह, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली है। ये साल कलर निकालता है अभी, ये इनमें भी कोई पता नहीं, ये भी जो है ना वो मेल बन जाए ब्राउन से, मतलब उस तरह हो जाए। लेकिन ये कलर मतलब इनका तकरीबन 90% चांस यही है कि फीमेल है। ये बहुत खूबसूरत है। तो इनके रात की कोई लाइट वगैरह भी ऑन करनी पड़ती है? लाइट, हाँ जी, लाइट ऑन करनी पड़ती है इनकी। रात को खाना शाना खाते रहते हैं, फिर ये अपनी मर्जी से। ये जी खोकर साहब ने वो चाय ले आए हैं हमारे लिए, बेहतरीन किस्म की, बेहतरीन जी। इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर आप देखेंगे ना अंडे शंडे भी हैं इसके अंदर पड़े हुए हैं। बंद करके ऑन होगा, नजर आ रहे हैं सारों में अंडे, आगे भी हैं, उनमें भी हैं पड़े हुए। वो देखना उड़े ने ढेर यहाँ से उड़ने उड़ के परेशान हो गए कि ये कौन आ गया हमारे। ये देखें मेरे चाचू नैयर, जो छोटे चाचू हैं, उन्होंने माशाल्लाह से सोलर लगाया हुआ है यहाँ पे, ये सोलर पैनल लगे हुए हैं और इनका सारा घर जो है वो माशाल्लाह इनके ऊपर चलता है। यार ये बचपन की यादों में एक बात ये है कि ये मेरा भाई है फात और ये माद है, ये दोनों आपस में पार्टनर बन जाते थे, मैं और मुनीब आपस के पार्टनर होते थे। और हमारा एक शोगल ये होता था गर्मियों में, दादो बेचारी हमारी रोला तो डालती थी लेकिन नाम जो है वो काइट छुड़ाने का, फ्लाइंग का बड़ा शौक था और आवाज जो है ना मेजोरिटी इसी साइड भी होती थी। तो एक छात वो है मेरे चाचू का, चाचू नैयर का, और एक छात ये है। तो हम लोग जो है ना वापस में जब पेचे लगाते थे ना तो सीन ही होता था कि जहरी सी बात है छतों का इतना डिफरेंस नहीं है ज्यादा, तो छतों का इतना ज्यादा जो है वो डिफरेंस नहीं है, तो जो पेच है ना वो हमारा करीब से ही लग जाता होता था। और जब किसी की गुड्डी कटती थी तो वो इतने क्लोज करती थी कि दूसरे की चरखी सारी खत्म हो जाती थी, और एक पार्टी जब रोना स्टार्ट कर देती थी उसका पिटना खुल जाता था अपना, और जारी सी बात है फिर बेइज्जती भी होती थी कि भाई इस तरह के गेम ना किया करो जिसमें तुम लोगों का मसला हो। नीचे मार दिए थे किसी ने पकड़ के। नहीं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं वाकई चूजे मार दिए थे किसी ने, यार दादो ने मारे रखे थे चूजे, तो किसी ने मरोड़ दी थी, आज तक बंदा नहीं पकड़ा गया, लाशें तो मिल गई थी लेकिन ये मानता कोई नहीं है किसने मारे। वो बंदा यही था जो स्टोरी बता रहा है ना, यही बंदा था, तो इसने आगे कहा था जी वो मैंने सारी चूजे जो है ना सुला दिए, तो सो गए खुद ही, सो गए नहीं। ये हमारी मस्जिद का जो है वो मीनार, गांव की मस्जिद का मीनार है।
जा रहे हैं। ये देखा ये ये कहाँ से आ रहे होते हैं? ये पिंडी से आते हैं, मंगला जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद देखना मगरब की, अभी भी काफी है। ये कैमरे में पता नहीं आप लोगों को नजर आ रहे हैं लेंस में, यानी मेरे ख्याल में तो आ रहे हैं डॉट डॉट्स के साथ। पीछे जो तालाब है जी जी, वहाँ से पानी पीते हैं, वहाँ से फिर। ये क्या बता रहे हैं, उंगली क्या नहीं उगी है यार? ये गुड़ियों की बात होती है, तो मैंने पाँव में रखी थी गुड्डी, तो ऊपर मैंने गलती से पाँव रखा हुआ, पता ना उसको क्या कहते थे, वैसे मैंने किया तो पाँव था ऊपर उसके, तो वो उड़ा ही नहीं, उंगली उड़ गया, वो उड़ा नहीं लेकिन उंगली उड़ गई है। जैसे वो कहते हैं ना गुड्डी उड़ी चिड़िया उड़ी, उसमें उंगली उड़ गई थी, फिर नहीं उगी। यस कह रहा है यार, ये एक्वेरियम पड़ा हुआ है आपने मुझे बताया तो है, लेकिन ये किस शेप का है यार, ये कुछ समझ नहीं आ रही। ये ट्रायंगल शेप किधर फिट किया हुआ था? ओ ये नहीं, अच्छा, ये कॉर्नर में शोर है, ये लाइटिंग हैट रखी थी किताबें सामने। नहीं नहीं यार, ये देखो ना, ये इसके अंदर वो पड़ी हुई है, इसकी ग्रेवल शेवल भी पड़ी हुई है। कल ही क्या सिस्टम, क्या सीन था भाई, ये एक्सप्लेन करें आप आवाम को, क्या आपने कारिस्तानी की हुई थी? नो कमेंट्स। ये पीएफएल है का जवाब, डिग्री डिग्री होती है। चले यार, चलो उधर काफी सारे घर हैं तो सब जगह पे जाना है। हाजी मुनीब जी जी, तो जाना आप सोनू की एक स्टोरी बता रहे थे तो मैं उस टाइम मिस हो गया था, आप बताएं कि ये भाई शुरू से बचपन से, ये आप कोई मसला नहीं। सोनू ये भाई रखते थे, मुर्गा रखते थे बचपन से, दिखाते हैं सोनू तो तब वीडियो बना, शुरू में उसका कोई नाम नहीं होता था, लेकिन जब मरने लग पड़ता था, करीब होता था मरने के, तो प्यार से फिर उसको सोनू कहने लग पड़ते थे, उसका लाज शुरू होता था, फिर बस वो मर जाता था। तो बस अभी आजकल भी किसी का नाम रखा है सोनू, उसका भी नाम सोनू रख दिया, तो बस वो भी आप समझ रहे हैं, बस हफ्ते का ही वो भी सोनू होने वाला है, वो भी सोनू होने वाला है। चलो जी नीचे चलते हैं, वो देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। क्या गेम खेल रहे हो शहजादो? शामू शामू, ये देखिए मैं चेक करें, ये अपना ये जो है ये गाड़ी से आया जी मुर्गा, अच्छा शामू ब्रीड है इसकी, और माशाल्लाह ये इसी की ब्रीड आ गई जो आपको मुर्गी नजर आ रही है। इसकी बेगमात मुझे लग रहा है काफी है, क्योंकि ये खुश बहुत नजर आ रहा है मुझे जी। आ रहे हैं अबू, आ रहे हैं, ओके ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये माता भी है ना, करे तो थोड़ा डर के भी रहना पड़ेगा इससे। चेक करो यार, ये बेचारा सोनू है जिसकी हम बात कर रहे थे आपसे, मार हो गया बेचारा, ये मारता भी है किसी को जो आपका पुराना कोई ऊपर हो, ये पहुंचा देंगे उनको, दुनिया से फनी हो गया, ये पहुंचा देंगे, इसकी सेवा करो, तो मटन दो सर, इसको दुआ की नहीं, इसको दुआ की जरूरत है। यार माशाल्लाह से सागरी में जो है वो काफी सारी चीजें थी और कंटेंट काफी ज्यादा था, तो इसको मद्देनजर रखते हुए जो था ना, मैं इसको दो पार्ट में लेके आ रहा हूँ, और अभी तक के लिए जो है वो फर्स्ट पार्ट जो है व्लॉग का वो यहाँ तक ही है। तो अगर आपको अभी तक हमारी वीडियो अच्छी लगी है, व्लॉग अच्छा लगा आज का, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अल्लाह हाफिज। और ये देखिए इधर ये हमारा बच्चा रो रहा है, एक ये भी आपको दिखा दे, उसको अपनी चीज की पड़ी है। नेक्स्ट व्लॉग में मेरी कजन का बेटा हुआ है तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो लाजमी आपने देखना है इस सीरीज का। बाय बाय हुरिया, बाय बाय बोलो हुरिया, बाय बाय बोलो हुरिया को, नहीं बाय बाय बोलो।